गजेंद्र मोक्ष। भक्तजनों, गजेंद्र मोक्ष की महिमा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा के पाठ का महात्म्य बतलाते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक, कलियुग के समस्त पापों का नाशक, दुःस्वप्न प्रणाशक और मनोकामना का साधन कहा गया है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक तत्व बहुत ही मनोहर हैं। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय होकर लीन हो जाता है। गजेंद्र कृत इस स्तवन का आर्त भाव से पाठ करने पर लौकिक और पारमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। निष्काम भाव से पाठ करने पर मनुष्य अज्ञान के बंधन से छूटकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान का वचन है, जो ब्रह्म मुहूर्त के समय जाग कर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय मोक्ष प्रदान करता हूँ। अन्ते मतिः सा गतिः, इस वाक्य के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तथा इस प्रकार वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत गजेंद्र कृत भगवान की स्तुति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। श्री शुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच। ओं नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक् साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। नयस्य देवार्षयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमब्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्
भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायो रूपरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्यहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमोक्तिकामा भजन्त ईष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाच्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाः चराचराः
नाम रूप विभेदेन फलव्याच कलया कृताः यथार्चिषोग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वैन देवासुरमर्त्यतिर्यङ्ग न स्त्री न शण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्मनसन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृत ये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवा स्तास्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणु हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तोभ्यमसह्यवे शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मनि नायं वेद स्वमात्मानम् यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् यत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिला गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्यहारः ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदश्रियाणाम् ॐ श्रीमद्भागवत्पुराण अन्तर्गते गजेन्द्रकृत गजेन्द्रमोक्ष समाप्तः।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।